subscribe and press the bell icon for latest update. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता अतुल कुमार अंजान ने कहा कि भाजपा की सरकारें जानबूझकर देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही हैं। अंजान ने कहा कि तिरंगा यात्रा के नाम पर भगवा झंडा साथ लेकर चलना, उत्तेजक नारे लगाना ये उचित नहीं है। बड़ी विषम परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में और उत्तर प्रदेश में कर रखी है। मैं पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय तिरंगा के साथ भगवा झंडा लेकर के चल करके उसे मुस्लिम समुदाय के बीच में जा करके लगाने की, जो लोग स्वयं तिरंगा झंडा लगाकर एक पर्व मना रहे हों उसमें जबरदस्ती करना, वहां से निकलना, उत्तेजक नारे लगाना, ये गणतंत्र दिवस पर उचित है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में, वो बताइए गणतंत्र दिवस को आपके समर्थक लोग गुंडा दिवस बनाने में बदल चल रहे हैं, गणतंत्र को गुंडा तंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? और कृति आप लोग यही चाहते हैं ना कि कोई क्रिया आप करें और उसकी आपको बता दें कि वो पहले भी भाजपा और आरएसएस पर लोगों में धार्मिक कट्टरता का भय फैलाने का आरोप लगा चुके हैं। SPNI न्यूज़ रूम।